अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरे से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कैसे हैं मेरी YouTube फैमिली? मैं तो अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? सारा काम एक आज खत्म हो गया था, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर। तो मोमो भी रोज़ा है तो खाना तो मुझे बनाना नहीं है। रात में बैठ के चूल्हे में बनाई थी हरी फल, और यहाँ पर है खाना। आज कुछ बनाना नहीं है मुझे, शाम तक जो कुछ है वही खाएंगे, जो रोज़ा नहीं होना। तो ये है रसम, चूल्हे में पका के क्या करती हूँ, पाक नीट से दूसरे में शिफ्ट कर लेती हूँ। सब कुछ काम ख़त्म हो गया है, अभी मुझे जाना है टाइगर के पास, और देखते हैं वहाँ पर ड्रेस हुआ या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मनी प्लांट, 12 बज रहे हैं, तो घर के सभी पोछा करके हो गया है। और गोरी पड़े का वीडियो डाली थी, ज़रूर से देखिए पूरा वीडियो, सब कुछ क्लीन कर डाली। इनकी भी एक ज़िंदगी, कमाती हैं खाती हैं, इनको कोई टेंशन ही नहीं रहता। चलो उनके लिए भी कुछ मिठाई दे देंगे, तो वो बच्चा रो रहा है तो कुछ देंगे। कोसा खुट रहा है, कोसा बड़ा। यहाँ लहसुन पीस रहे हैं उसी में, लहसुन फेंक डाले उसमें, डालेंगे उनको ये दे चलो। चावल भून लेना, ने डाल ले आँच बनाने, थोड़ा सोन दिया चूल्हा। आज बना रही मम्मी दीदी, आज आए उन्होंने काम को सीखे काम से, मैं उनको पकड़ ली। टेस्ट भी बनाती मम्मी दीदी, सिंपल मसाले में बहुत अच्छा बनाती। तो यहाँ पर कौसी चटनी दीदी है, खट्टी चटनी, खट्टी चटनी पुदीने की, प्याज 3 डालना, लहसुन, पुदीना, हरे मिर्चा, टमाटर, खतीमेर, जीरा, अमली, हरे मिर्चा। रोज यानी क्या दीदी तुम्हारे पूरे पूरे भी माशाल्लाह। कुरान पूरा पढ़ डाले, कितने जूस पढ़े? नहीं पढ़ी नहीं, कुरान पढ़े नहीं है, प्रेम नहीं। हाँ ये बच्चे कला दा हाथ कुमार लग गया ना। अदरक लहसुन देखो डाले हैं नहीं वहाँ रखी हूँ, लो ये लो, ये चमचा डाल कर सिल में है, पीस को रखी हूँ, ज़्यादा हो जाता है लहसुन में। अदरक लहसुन 2 स्पून है नहीं, वो चटनी डालना लो, जल रही है, डालो वो भी मिल्क जलता है, काला हो जाता है। ये कच्ची खुशबू गई, तो कैसी तो फिर पीली अच्छी रहती नहीं, रति हल्दी डाले तो पीला हो जाता है। हाँ वहाँ से पूरे मसाले दियो, रति हल्दी डाले तो पीला हो जाता है। चूल्हे का सुकून गैस में नहीं आता, सुकून से बैठ को पकाए जा, बहुत ये टूट गए थे पूरे बैठने के रखते, अब दूसरे ले लगाना, डिमांड कोई नहीं उस दिन से, उसका हाइट कम दिख रहा है। तुमने पुदीना टमाटर सब डाल दिया, पर पूरा डाल, मूंग की दाल, थोड़ा
रोजे बातम बातम में हो गए देखो। जा कहीं नहीं तुम्हारे फ्रेंड ठानी एक जने मोनी सासे के नहीं था। हां बोले बढ़िया मां बहुत हेल्प करे मां मुझे शादी हसना वे में हेल्प ना जने देखे बस उनका ऐसा ना में रखना हमें देखना। हां सही बात वो भूलना नहीं कभी। तुम्हें गए ना होते इसमें भी रोजा भी रखो चितूर के यहाँ छे धूप कैसी है वहाँ बहुत धूप नहीं एक दिन में आगे क्या आगे दूसरे रोज आगे दूसरे दिन आगे वो नल का पानी जगले लगे लगा हूँ ये जगह यहाँ छे ना सामने वो बॉक्स में जरा कम डाल ये रहा तो मालूम होता है मुझे डाल एक बार का फिकर है तो डाल तुम्हें जाओ ना को रोजा खुले को चौक दे आप क्या दो ओवर है तो रोजा खुल जाता बा सालार को बोलो रोजा खुले खाती मुझे उन्हें जाना कहते अर्जेंट है जाने छोड़ो ना छोड़ का तुम्हें बुला लिया को हां देंगे ऑटो में वैसा भेज भेज डालो मुनी दीदी गंगुनली में इंचो लायर पले दीदी वो लायर पले की गंगुनली लायर पले भी गंगुनली 221 नाम की है परसों आई थी हमें वीडियो बनाने वो कुकर के हाँ वो कुकर का ढक्कन तो अब खा टेस्ट चटनी कौन सी खट्टी चटनी क्या दीदी इसके साथ बहुत टेस्टी रहती है मुनी दीदी चटनियाँ सब अच्छे बनाती आंच लग रही है चार जग एक लीटर पानी नहीं पतली रही तो चाश है बोल रहे थे तो को खट्टी चटनी को सीरा करे पक ना को प्याज मीडियम साइज के तीन नहीं कह दी थी बड़े बड़े तीन चार डाले और आज के साथ खट्टी चटनी बहुत टेस्टी रहती है। मुन्नी दीदी भी आंध्रा का बहुत स्टाइल से पूरा आंध्रा का पकाती हूँ उनका बचपना भी आंध्रा से नहीं कहती थी फिल्म पकाना अच्छा लगता है दीदी तुम्हें वोटे वोटे कराओ नहीं गाड़ियाँ खड़ाने नहीं चलने फिरने जगह नहीं रस्ते में देखे नहीं तुम्हें इसकी सहूलत दिखे तो दूसरे भी हीना कर को नहीं समझता वो आदमी नहीं बोल रही ना कहीं बोल रही समझता नहीं पूरा तल लेना हरे मिर्चा सीरा प्याज पर इफ्तारी से एक घंटा टाइम पहले चटनी भी और आज बना रहे थे मुन्नी दीदी भी आए थे उनके स्टाइल में आज बहुत अच्छी रहती है तो सोची के पिछले बार भी रमज़ान में मुन्नी दीदी बना दिए थे तो उनसे बोले सती जो नो चलो बना को दे चुम बोले क्या भी बोली ने मुन्नी दीदी सुनती ये बहुत अच्छी आदत है नमक भी देख को डाल लो तुम्हें मोटा नमक यूज़ करे तो टेस्ट मालूम आंच लग रही है देखो कुकनी है देखो दीदी वहाँ लग रही है
लाल हो गया ना। अमली, टमाटर, कचीमिर, चटनी किसे पसंद है जरूर से ट्राई करो। ये बहुत बार करको ही हमें, मुन्नी दीदी भी बना को ही पहले के वीडियो में, नहीं दीदी आज चूल्हे में बना रही, बहुत टेस्टी रहती है ये चटनी। पुदीना खाए तो अच्छा डाइजेशन के वास्ते। गल्ला सर्दी को बैठे अभी तक खुलने का नाम नहीं ले रहा। आपको फ्राई कर ले को पीस लेना ठंडा करके, खट्टी चटनी। तो मुन्नी दीदी के लिए, उनकी चटनी के लिए, उनके आश के लिए ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए। माशाल्लाह मुन्नी दीदी भी बहुत अच्छे रेसिपियाँ बनाती, चटनी हो गया, करेले का एक कड़ी बनाती, खट्टा वो हो गया, बहुत अच्छी टेस्टी टेस्टी टेस्ट टेस्ट बनाती। इंशाल्लाह अगर आप कमेंट्स में बोले तो अब एक दो रेसिपियाँ मुन्नी दीदी के पास बनाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर सिल दिखा रही हूँ, उसमें लहसुन पीसी बोल को, उसी में मैं चटनी भी पीसूँगी। दो सीटियाँ उतार डाल, चो उतार डाल को चतल में डाल, दम को छोड़ा लेंगे, आज बन जाती है। हमें नीचे उतार कर रखे बघार को, अभी तल्ले ठंडी हो तक आज भी बन जाती है। नहीं क्यों मुन्नी दीदी, पुदीना डाले जाते हैं, पिस्ता नहीं ज्यादा डाले, उसका टेस्ट आ जाता है, ये टेस्ट छप जाता है, बाकी ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा तो टेस्ट अच्छा नहीं रहता। मोमो ये मीठा कोसा, ये डबल ब्रेड मीठा रबड़ी के साथ कैसा था? माशाल्लाह टेस्टी। इंशाल्लाह इसका भी वीडियो आने वाला है, मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप कमेंट्स में बोले तो। A few moments later. तो माशाल्लाह इफ्तारी का भी टाइम हो गया था, यहाँ पर हम इफ्तारी करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम थोड़ा सा बाहर। आइए मेरी यूट्यूब फैमिली, इफ्तारी हमारे साथ करिए। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। तो चलिए बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे। माशाल्लाह सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर आप पूछते हैं ना फ़ोन नंबर होना बोल को, हर एक का भी नंबर पर्सनल होता है, अगर आपको मेरा नंबर होना रहा तो इंस्टा पर DM करो, इंशाल्लाह मैं आपको नंबर दूंगी, आपसे मिलूंगी भी ज़रूर से। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन जो भी होते हैं मैं वो भी क्लियर करूंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी कम्प्लीट हो गई, इसके बाद हम जाएंगे शिवाजी नगर, रात के बज रहे 9, तो देखते हैं, फर्स्ट बार मैं भी रात को जा रही हूँ तो कैसा रहता है शिवाजी नगर। अभी हम जा रहे हैं, ये है कौन सा एरिया मोमो? कमर्शियल स्ट्रीट। तो यहाँ पर देखिए लाइट अच्छा है, 26 सिंह को सारा रेडी करे थे रहेंगे। तो फर्स्ट बार मैं रात को आई हूँ, इसीलिए दो तीन दिन से बहुत बिजी थी, इसलिए वीडियो दो दिन से नहीं आया हुआ है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मुझे अच्छा लगता है शिवाजी नगर रात में देखना था, इसीलिए रात में आई हूँ मैं फर्स्ट बार। चलिए देखते हैं कौन ये बोला सिलाना, उसकी रेडीमेड है। Thank you.
यहाँ पर देखिए अच्छे लगे क्वालिटी चप्पलों की, मुझे बहुत पसंद आए। 250 वाले, 150 वाले डेली यूज़ के वास्ते बहुत अच्छे थे, तो वही यहाँ पर देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पर कलेक्शंस बहुत अच्छे थे, तो वही यहाँ पर मैं ही देख रही थी। 250 वाले अच्छे रहते हैं, बाहर का अंदर पहन लग जाने कैजुअल से और एकदम डिसेंट। साल के 12 महीने ऐसे ही पैटर्न चेंज होते रहते 350, लेकिन ऐसा रेट वॉच में मेरे साल के 12 महीने तो भी वॉच रेट है मेरे घर में ऐसा दो दिन में गई थी तो मुझे तो समझ में आया नहीं, रात में गई थी इतने स्टॉल आएंगे बोलते बोलते थक जाती, लेकिन स्टॉल खत्म नहीं होते, तो वहाँ जा को देखने की खुशी ही कुछ और होती है। कैसा भी 100 क्या भी लियो वो सब भी लियो ले। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं आ रहे तो, और बेल को ऑल कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हर रोज़ के वीडियोस के आते रहेंगे। और पूरा वीडियो देखिए बेंगलुरु के अंदर क्या क्या है बोल को आपको भी मालूम रहता है। बहुत जने रात को जाको नहीं रहते रमज़ान के महीने में, माशाल्लाह पूरी रात घूमे तो भी कमीज मुझे देख को हैरान परेशान हो गई कि क्या रात में इतने आदमी 4-5 बजे तक रहते हैं बोल को। माह रमज़ान में माशाल्लाह देखने के वास्ते बहुत चीज़ें आँखों रहती, ये माहौल ये रौनक रमज़ान के महीने में लगता है। सो अगर आप भी बाहर से आए या शॉपिंग को कहीं जाना हो तो ज़रूर से इस जगह जाइए, शिवाजी नगर कमर्शियल स्ट्रीट बहुत अच्छी शॉपिंग करने की जगह है। पाँच मिनट के रास्ते को हम कम से कम 1 घंटा टाइम चल को आको ही, तो आते आते आत्मिया की भीड़ ऐसी थी कि माशाल्लाह बोल नहीं सकती, तो पानी की सोच लग रही थी, साथ में आइस भी ले लिए यहाँ पर, आइस भी खाएंगे। तो अभी हम आ गए धनलक्ष्मी में, तो यहाँ पर शूट करना अलाउ नहीं था, माशाल्लाह इनका ब्रांड बहुत अच्छा था तो इसलिए इन्होंने अलाउ नहीं करे, तो मैं यहाँ पर कुछ वीडियो नहीं बनाई हूँ। बहुत अच्छा कलेक्शन है, अगर आप भी मेरे जैसा कॉटन के कपड़े पसंद करते हैं तो अब ज़रूर से मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप धनलक्ष्मी को जाइए, हमारे अच्छे से बजट के हिसाब से भी ही। ये कौन सा था मोमो? फेमिना के ऑपोजिट स्टोर्स लिटिल किड जोन। लिटिल किड जोन में लिए इसे, यहाँ भी अच्छा है कलेक्शन बच्चों के लिए, माशाल्लाह ये कपड़ा तो बहुत अच्छा है। और अभी है ना गर्मी का सीज़न चल रहा है तो बच्चे स्टोन वर्क के पसंद नहीं करते, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए हम इस बार सिंपल से, लेकिन ब्रांड बहुत अच्छा था तो बार बार धो के भी पहन सकते, ये नहीं कि चमकियां का और कंकरियां का लाए बीरू में एक बार पहने फोल्ड करके रख डाले, इतने कपड़े हैं कि बीरू में जगह नहीं है हमारे घर में भी, इसीलिए इस बार हम बहुत सिंपल से ले को हूँ। माशाल्लाह यहाँ पर आए हैं तो ये सब कुछ देख रही हूँ क्या क्या है बोल को, ऑलमोस्ट हमारी पहले भी शॉपिंग हो चुकी थी तो अच्छा लगता है ना शॉपिंग करने, किस किस को अच्छा लगता है, गांधी जी रहे तो रोज़ शॉपिंग कर सकती, क्या बोलता है मोमो जी?
जान दीजिए हाथ में रहते कैसा रहता है पैसा। शॉपिंग करते करते देखते देखते जो कुछ भी था यहाँ पर, तो रात के 11:30 बज रहे, अभी तो हम घर को जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, तो चलिए चलते हैं। अभी जाने से यहाँ से लेकर हमें बाहर जाने 2 घंटे तो लग ही जाता है, बहुत ज़्यादा आदमी की भीड़ थी, सबको भी इतने रोज से भी शॉपिंग करी लेकिन सबकी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई थी। जिस जगह चप्पल देखती, जिस जगह परसान देखती, जिस जगह बैंगल्स देखती, हर किसी के पास भी हर ऑप्शन था कि ये दुकान में कम से कम 500,000 आदमियाँ रहती। माशाल्लाह बहुत अच्छी शॉपिंग कर रही, बहुत खुश हो गया। तो फुल जोरों शोरों से चल रही है शॉपिंग माशाल्लाह। हाँ ये रमज़ान का पहाड़ देखिए, माशाल्लाह देख के मुझे बहुत खुशी हो गई। थोड़ा बहुत अंदर जाने में तकलीफ़ हुई लेकिन यहाँ का माहौल देखो, सब तकलीफ़ भूल गए हम लोग, यहाँ की सब कुछ जो कुछ भी आया था वो देख के दिल खुश हो गया। साथ में बैंगल्स भी ले लेंगे, यहाँ पर जो ड्रेस लेते हैं यहाँ कलेक्शन भी मिल जाता है। अगर आपके घर में भी भाना माँ बाप खानदान में जितने भी हैं उनके वास्ते भी थोड़ा खुशियाँ बांटो, उन्हें भी खुशियों को साल में एक बार दुआ देती। माशाल्लाह रिश्ता बढ़ाने के लिए ये सब कुछ ज़रूरी है। रमज़ान 30 रोज़े रखो, सबकी दुआ लेना साल से साल तक। माशाल्लाह किसकी दुआ में क्या असर रहता है कि ये नहीं कि हमारे वास्ते हमें कर ले तो खुशी नहीं, वो 4 आदमियों में बांटने की खुशी रमज़ान का 30 रोज़े रखो। खुतबा करते सो गरीबों को भी देखना, हमारे जो कुछ माल और ज़कात भी देना और सब कुछ खुशियां बांट को हमें खुशी करती ना, वो मेन असली रमज़ान। मैं यहाँ पर जो बैंगल्स ली हूँ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, और बैंगल्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप भी फैंसी इस तरह के बैंगल्स होना तो ज़रूर से यहाँ जाइए। अगर आपके घर में भी माँ बाप हैं तो उनके वास्ते भी बहुत कुछ शॉपिंग करिए, उनकी खुशी में आप खुश रहिए। माशाल्लाह उनकी दुआ बहुत लगती है, मालूम नहीं किसकी दुआ को उस टाइम पर असर करती है कि हमारे ऊपर। आज की जो कुछ भी यहाँ पर शॉपिंग चल रही थी वो सब कुछ आपके लिए वीडियो बनाई हूँ, पूरा वीडियो देखिए, कमेंट्स अच्छे अच्छे करिए, और मेरे चैनल को नहीं आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। और आपको कैसा वीडियो होना ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली से मिलना चाहते हैं, मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, इंशाल्लाह मिलेंगे। मेरे वास्ते दुआ में याद रखिए, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। नए वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, बाय बाय।